रही बारिश के चलते मथुरा में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान त्राही त्राही कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मथुरा में लगातार 3-4 दिन तक हुई बारिश से उन किसानों का काफी नुकसान हुआ है। फार्मों के पास से गुजरने वाले नालों का पानी ओवरफ्लो होकर किसानों के खेत में चला गया। वहां के आसपास के क्षेत्र का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर किसानों की खेती में चला गया, जिससे उनकी बैगन, पालक, सब्जी, धनिया, गोभी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिससे किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है। किसानों ने इस समस्या को लेकर मथुरा जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेश ठेनुआ ठाकुर, कर्णपाल सिंह वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, रतन सिंह पहलवान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, देवेंद्र पहलवान जिला अध्यक्ष, जगदीश रावत प्रदेश सचिव सहित तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरेंद्र कुमार ठाकुर ने समाचार 24 से बात की। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश ठेनुआ है, मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जो ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया गया है ज्ञापन? जो है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इस समय अतिवर्षा के कारण और किसानों की जो है 100% फसल जो जलमग्न हो चुकी है, और अति जल भराव के कारण फसल पूरी डूब चुकी है। जैसे कि आपके धान, बाजरा बिल्कुल जो है खेतों में सड़ चुके हैं, और आने वाली जो फसल है बोने का समय वो भी नज़दीक आ गया है, लेकिन पानी इतना भरा हुआ है कि ऐसा आशा लग रहे हैं कि वो शायद वो ही नहीं जाए। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर एक जो है आपका जो नगला कुल्लू पर सीवेज ट्रीट प्लांट की एक फार्म है, वहाँ पर सीवेज की, तो वो जो है नगर निगम उसको उठाता है, तो वो बहुत महंगी उठती है, 80-90 हज़ार रुपये बीघे के करीब, और उसकी जो है पूरी फसल जो है सब्जी की ख़त्म हो चुकी है। तो इन्हीं हमारी जो है शासन से प्रशासन से ये मांग है कि किसानों को राहत दी जाए। जो इन्होंने तो सरकार से लीज पर जो है कृषि जो भूमि ली थी, इनको जो है तुरंत जो है माफ़ किया जाए, जो इनका जो पैसा या आगे के आने वाले समय के लिए वो एडजस्ट किया जाए, इन किसानों को राहत दी जाए, जनपद के सभी किसानों को राहत दी जाए। जहाँ जहाँ जल भराव की समस्या है, वहाँ पर जो पानी की निकासी के प्रबंध किए जाएँ, जिससे कि पुनः किसान अपनी फसलों को जो है बो सके, और जो नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया है आपने, किस संबंध में दिया है? सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया था हमने, किसानों की बहुत सारी समस्या हैं, जैसे वर्तमान में अभी हमारी जो गंगा नहर है या यमुना नहर है ओवरफ्लो चल रही हैं, जहां किसान पानी निकालने की बात कर रहा है वहीं पानी और उल्टा खेतों में जा रहा है। तो किसानों का जो आने वाला लाया, जैसे सरसों बोई गई है वो सारी ख़त्म हो चुकी है, कहीं कहीं जो तिल हैं, उर्द हैं, मूंग की खेती है, वो भी पानी से नष्ट हो चुकी है। बहुत महंगी ये आइटम है किसान के, यही सब महंगे जाते हैं, दाल दलहन जो हैं, और हमारे जो धान बाजरा है पूर्व में जो भाई साहब ने बताया है, ये सब पूरे नष्ट हो चुके हैं, 100% नष्ट हैं। बाजरा खेतों में उगाए हैं और आपके धान भी उग रहे हैं, सारे जलमग्न हो रहे हैं, और ये हमारी जो सीवेज जो लाइन जा रही है, इसकी जो नगर निगम की जो खेती है उसको रिलीज पर लेते हैं किसान, वो बहुत महंगी उठती है, वही आपको बताया, और वहाँ पूरी सब्जी नष्ट हो चुकी है, और वो सब्जी के लिए वो हम ये चाह रहे हैं, जैसे पूर्व में बताया था कि नगर निगम से जो पैसा किसानों ने जमा किया है, या तो वो आगे के लिए रिलीज हो जाए या उनके लिए मुआवजा उन्हें दिया जाए, इसको लेकर के हम यहाँ उपस्थित हुए। और जो आवारा गोवंश हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, आवारा गोवंश को भी बहुत अतिशीघ्र ही उनकी भी व्यवस्था की जाए। अभी डीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने? डीएम साहब ने हमें पूर्णतः आश्वासन दिया था कि आवारा गोवंश को भी और सूकर आदि से भी बहुत नुकसान हो रहा है किसानों को, उनको भी निजात दिलाने के लिए फसलों से जो बीमा है या नहीं भी है सबको मुआवजा दिलाने के लिए डीएम साहब ने हमें प्रेषित किया, आश्वासन दिया है।